प्यारे विद्यार्थियों और मेरे युवा साथियों, नमस्कार। मैं होशियार मल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की इस ऑनलाइन क्लास में आपका तहे दिल से एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की, जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, जो अति महत्वपूर्ण है। बहुत बार उनमें से ये मानो कंपटीशनों के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज उसी क्रम में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। बहुत बार इसमें से क्वेश्चन भी पूछा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम किसकी बात करेंगे, भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, वार ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कहने का मतलब, चाहे वो प्राचीन भारत में हो, चाहे आप कहोगे मध्यकालीन भारत में हो, चाहे आधुनिक भारत में, जो महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं उनके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे इस सारणी के माध्यम से। मैंने केवल अति महत्वपूर्ण जो युद्ध है ना, उनका ही यहाँ पर उल्लेख किया है। 20 महत्वपूर्ण युद्ध जो हुए हैं उनके ऊपर ही चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें हम देखेंगे, ये तो क्रम होगा जो कि 20 युद्ध है अति महत्वपूर्ण। वर्ष या सन कब कब हुए ये युद्ध, वह वर्ष या सन देखेंगे हम। युद्ध का नाम किस नाम से जाना जाता है, वह कौन सा युद्ध था, और उसके बाद में किन किन के बीच हुआ था, कहने का लो युद्ध में किनों ने भाग लिया था, किन किन राजाओं के, किन किन शासकों के बीच हुआ, उसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। और विजय या जीत, कहने का मतलब उस युद्ध में जीत किसकी हुई और हारा कौन था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख और महत्वपूर्ण युद्ध, तो हो जाइए तैयार, अंत तक इस वीडियो को पूरा देखना है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी प्रकार से सुनना है। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मैंने यहाँ 20 युद्धों का संग्रह किया है, एक जगह एक सारणी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, हो जाओ तैयार। नंबर एक, 326 ईसा पूर्व, पहले की बात है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जो कि इस युद्ध का नाम था हाइडेस्पीज का युद्ध, जो कि किन किन के बीच हुआ था, सिकंदर वर्सेस राजा पुरु के बीच हुआ था। कहने का मतलब, एक तरफ तो सिकंदर की सेना थी और दूसरी तरफ जो पारस राजा था पुरु, उसकी सेना थी, जो कि इसमें जीतेगा कौन, याद ना, सिकंदर। जीत किसकी होगी, सिकंदर की होगी। कहने का मतलब, सिकंदर है वो तो जीत जाएगा और राजा पुरु है वो हार जाएगा। क्लियर है, 326 ईसा पूर्व हुआ था ये हाइडेस्पीज का युद्ध, जिसको कहा जाता है। क्लियर है, आगे देखो। नंबर दो, जो कि 261 ईसा पूर्व, ये भी कब हुआ है, ईसा पूर्व, जो कि कलिंग का युद्ध, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पेपरों में ये पूछा भी जाता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व हुआ था, ईस्वी सन मत कर देना, ईसा पूर्व हुआ था, जो कि किन किन के बीच, अशोक, महान सम्राट अशोक, मौर्य साम्राज्य का प्रतापी शासक अशोक, वेसेज कलिंग राजा नंदराज, कहने के लिए कलिंग राज्य के विरुद्ध हुआ था अशोक का ये युद्ध, इसमें अशोक तो जीतेगा और कलिंग राजा नंदराज हार जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है अशोक, और इस युद्ध में जीतने के बाद ही तो अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, अहिंसा का पालन शुरू कर दिया था, क्योंकि इस युद्ध में जो असहाय गरीब जो व्यक्ति मारे गए थे
उनको देखकर ही तो उसका हृदय दर्वित हुआ था कि अब ये मैं तलवार या अपने हथियार छोड़ता हूँ, आज के बाद मैं हिंसा नहीं करूँगा, अहिंसा का पालन करूँगा, वो धर्म स्वीकार कर लिया था। कब? कलिंग युद्ध की विजय के बाद। ये कलिंग कहाँ पे है प्यारे विद्यार्थियों, बताओ? वर्तमान में जो कलिंग है वो भारत के किस राज्य में या किस राज्य को कहा जा सकता है, कहाँ पे है कलिंग मैदान, बताना ये कमेंट बॉक्स में प्यारे विद्यार्थियों। कलिंग कहाँ पे है? तो याद रखना, कलिंग है वो ओडिशा, पहले इसका नाम उड़ीसा था, अब उसका नाम बदल करके ओडिशा कर दिया गया, वहां पे है ये कलिंग क्षेत्र, जो कि अशोक की जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? अशोक की, महान सम्राट अशोक इसमें विजयी हुआ था कलिंग युद्ध में। क्लियर है? हमने दो युद्धों के बारे में देख लिया, क्लियर है ना प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ रहा है ना? ये तो जो युद्ध हुआ उसके वर्ष या सन है, ये युद्ध का नाम है, ये किन किन के बीच हुआ और उसके बाद में विजय किसकी हुई या ये मानो हार किसकी हुई। जो राइट का चिन्ह लगा रहा हूं उसकी तो जीत हुई थी और जिसके क्रॉस कर रहा हूं मैं उसकी हार हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लियर है ना? चलो तो आगे देखते हैं नंबर तीन। नंबर तीन, 712 ईस्वी, ये ईस्वी सन है, ईसा पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है जो बढ़ते क्रम में चलेगी जबकि ये घटते क्रम में चलेगी। ऐसा मैंने एक बार इतिहास के टॉपिक में आपको एडी और वीसी के बारे में बता भी रखा है प्यारे विद्यार्थियों, ईसा पूर्व क्या है और ईसवी सन क्या है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में देख भी सकते हो, अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो कि 712 ईस्वी में सिंध का युद्ध, किसका? सिंध का युद्ध किसके बीच हुआ? मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस सिंध राजा दाहिद, कौन था? दाहिर के बीच हुआ था और मोहम्मद बिन कासिम इसमें जीत गया था। तो याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम की तो क्या हुई थी? जीत हुई थी और हारा कौन था? सिंध राजा दाहिर। याद रखना, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था? 712 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, आगे देखो नंबर चार, 1191 ईस्वी, ईस्वी सन, अब सभी ईस्वी आएगी, ईसा पूर्व नहीं, ईसा पूर्व के ये दो देख सकते हो जो कई बार पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। 1191 ईस्वी तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के बीच हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई। कहने का लो, पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गोरी हार गया। एक अच्छे राजपूत से पाला पड़ा था और कहते कि पृथ्वीराज चौहान ने उसे हरा दिया था। उसके बाद में एक वर्ष बाद ही जो पांचवा देखोगे, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध, 1192 ईस्वी, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं जो बार बार कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इनको जरूर तैयार कर लेना, अपनी नोटबुक में इस सारणी को नोट भी कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। तराइन का द्वितीय युद्ध, मोहम्मद गोरी अब ये मानो अच्छी सेना के साथ, अच्छी तैयारी के साथ वापस आएगा तराइन के मैदान में। जो तराइन का द्वितीय युद्ध होगा मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, और इसमें मोहम्मद गोरी की जीत होगी और पृथ्वीराज चौहान है वो हार जाएगा। मोहम्मद गोरी जीत जाएगा और पृथ्वीराज चौहान हार जाएगा, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान अपनी जीत की जश्न में था और ये मानो युद्ध की तैयारी नहीं की थी उसके सैनिकों ने, जबकि मोहम्मद गोरी पूरी तैयारी के साथ आया था और इसमें
तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हरा देगा और उसको बंदी बना करके अपने साथ ले जाएगा। उसके बाद में देखो नंबर 6, क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, पल्ले पड़े को नहीं पड़े, आगे ना क्लियर है ना। आगे देखो नंबर 6, 1301 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध हुआ, 1301 ईस्वी में रणथंभौर का युद्ध हुआ, जो कि अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत का शासक तो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस हमीरदेव चौहान। रणथंभौर का शासक कौन था, हमीरदेव चौहान था, इनके बीच हुआ था रणथंभौर का युद्ध और इसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी हुआ, जीत गया, हमीरदेव को हार मिली। तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी इसमें जीतेगा और हमीरदेव चौहान इसमें हार जाएगा। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण है। नंबर 7, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ का युद्ध, चित्तौड़गढ़ अपने राजस्थान में, चित्तौड़ का युद्ध जो कि अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस महाराणा रतन सिंह, यहां मेवाड़ का चित्तौड़ का शासक कौन होगा, रतन सिंह, इनके बीच हुआ था रानी पद्मावती को लेकर के, रानी जो पद्मनी थी उसकी, उसको लेकर के हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी जीत गया था इसके अंदर। अलाउद्दीन खिलजी जीत गया और रतन सिंह की हार हुई थी, और हारी क्या, ये मानो इस युद्ध में मारा भी गया, तभी तो पीछे से जो कहते हैं ना कि रानी पद्मनी ने जौहर किया था 1600 रानियों के साथ चित्तौड़गढ़ के किले में, जो कि चित्तौड़ का पहला साका माना जाता है। साका कौन सा होगा, जिसमें राजा ये मानो जीत के लिए केसरिया धारण करके युद्ध मैदान में जाएंगे करो या मरो की स्थिति में, और अगर वहां पे राजा मारा जाता है तो पीछे से रानी अपने मान सम्मान बचाने के लिए अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे देगी, कहने का मतलब जौहर कर लेगी। तो जहां केसरिया और जौहर दोनों होते हैं उसे प्यारे विद्यार्थियों साका कहा जाता है, जो कि ये चित्तौड़ का पहला साका माना जाता है। 1303 चित्तौड़ का जो युद्ध हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी जो दिल्ली सल्तनत का शासक था उस समय खिलजी वंश का, और मेवाड़ का जो शासक था चित्तौड़ का रतन सिंह, तो कहते रतन सिंह इसमें मारा गया, हार गया, और अलाउद्दीन खिलजी वो जीत गया था इस युद्ध में। आ गया ना समझ में, साका क्या होता है, केसरिया क्या होता है और जौहर क्या होता है, क्योंकि कई जगह कहा जाता है ना कि वहां तो ढाई साके हुए हैं, ढाई का मतलब क्या, आधे कैसा, तो याद रखना आधे का मतलब है कि वहां पे हो सकता है कि केसरिया हुआ होगा, राजा तो केसरिया धारण करके युद्ध में चला गया और युद्ध में मारा गया, लेकिन पीछे से रानी ने जौहर नहीं किया कि पति गया तो जाने दो, मैं तो अग्नि में नहीं कूदूंगी, मैं तो अपने प्राण न्योछावर नहीं करूंगी, अग्नि कुंड में नहीं जाऊंगी, तो वो क्या माना जाएगा, आधा माना जाएगा। क्लियर है ना प्यारे विद्यार्थियों, आ रहा है क्या समझ में, अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद में नंबर 8, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1526 ईस्वी में पानीपत का, ये पानीपत का मैदान कहां पे है, कौन से राज्य में, बताओ प्यारे विद्यार्थियों, पानीपत का जो आगे भी कई नाम आएंगे, क्योंकि पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध पहली लड़ाई, पानीपत का द्वितीय युद्ध दूसरी लड़ाई पानीपत की, और पानीपत का तृतीय युद्ध पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो ये पानीपत का मैदान कहां पे है, इसमें से कई बार क्वेश्चन भी बना दिया जाता है। तो पानीपत का मैदान है वो हरियाणा में है, कहां पे, हरियाणा राज्य में है। यानी का मतलब 1526 ईस्वी पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जो उस समय दिल्ली सल्तनत लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, जो भारत पे या ये कहो दिल्ली पे शासन कर रहा था उस समय।
सुल्तान था दिल्ली का, तो उस समय बाबर की जीत हुई, इब्राहिम लोदी हार गया। बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया, और लोदी वंश का अंतिम शासक और वहीं पे लोदी वंश समाप्त हो गया। और बाबर ने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रख दी, स्थापना कर दी। बाबर पहला ये मानो मुगल बादशाह था, संस्थापक भी यही था। कब? 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। क्लियर है ना? वैसे तो हमने पीछे के इतिहास के टॉपिकों में ये युद्ध पढ़े भी हैं। हाँ, हो सकता है राजस्थान वाले नए आए हों, वो हम आगे राजस्थान के इतिहास में कवर करेंगे। लेकिन कई युद्ध हमने पहले पढ़े भी हैं, लेकिन आज हम एक जगह संग्रह करके और महत्वपूर्ण जो प्रमुख युद्ध है ना, उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। एक जगह संग्रह, क्योंकि वहां पर पीछे के टॉपिकों में तो हमने अलग अलग शासकों के समय देखा है, यहां हम एक जगह बात कर रही हैं। मेरे लाडलो, समझ में आ गया ना? तो ये महत्वपूर्ण युद्ध जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में नंबर 9, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये खानवा का युद्ध मैदान कहाँ पे है वर्तमान में? तो याद रखना, राजस्थान राज्य के भरतपुर जो जिला है उसके अंदर, कहाँ पे? भरतपुर जिले के अंदर है खानवा नामक स्थान। गौर करना इस बात पे, भरतपुर जिला होगा, राज्य कौन सा होगा? अपना प्रदेश राजस्थान प्रदेश, रंगीला राजस्थान। आप देखोगे ये किस किस के बीच हुआ था? बाबर वर्सेस महाराणा सांगा, संग्राम सिंह, तो इसमें भी बाबर जीतेगा और राणा सांगा हार जाएगा। विजय किसकी होगी? बाबर की होगी। राणा सांगा हार जाएगा, जिसके शरीर के 80 घाव हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कहते कि हिंदू पथ के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत ही प्रतापी क्षत्रिय राजपूत था महाराणा सांगा, जो बाबर का बहुत ज्यादा मुकाबला भी किया डट करके, लेकिन कहा जाता है कि बाबर ने कूटनीतिक चालबाज छल कपट से ये मानो कि राणा सांगा को हराया था उस समय, क्योंकि उसने जिहाद धार्मिक युद्ध की घोषणा कर दी थी। इसलिए कहते कि यहां पर बाबर की जीत हुई थी खानवा के युद्ध में, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई थी। उसके बाद में नंबर 10, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, बाबर वर्सेस मेदिनी राय, इसमें भी बाबर की जीत होगी, बाबर की जीत होगी और मेदिनी राय हार जाएगा। एक बात नोट की आपने प्यारे विद्यार्थियों, नोट की है क्या? क्या जो मैंने पहले नाम लिखा है उन सभी की जीत है, और बाद में जो नाम लिखे हैं उन सभी की हार है। ये नोट कर लेना और इस तरीके से आप तैयार भी कर सकते हो। उसके बाद में 11वां, 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध, सरयू का युद्ध जिसको कहा जाता है, जो कि थल और जल दोनों में लड़ा गया था। बाबर वर्सेस अफगान थे, यहां पर बाबर की जीत होगी और अफगान हार जाएंगे, इसमें भी बाबर जीत जाएगा। तो ये मानो कि बाबर ने भारत के अंदर जो 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े थे, तो चारों ही जीते थे। गौर करना, अति महत्वपूर्ण है। लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध तो आपको जरूर तैयार करना है, अति महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है। क्लियर है? उसके बाद में आगे देखो नंबर 12, उसके बाद में आगे नंबर 12 के अंदर 1539 ईस्वी में हम कह सकते हैं, 12 नंबर देख रहे हैं हम, 1539 ईस्वी चौसा का युद्ध, शेरशाह सूरी वर्सेज हुमायूं,
इसमें कौन जीतेगा? शेरशाह सूरी, जो शेर खां था वह शेरशाह की उपाधि धारण कर लेगा इस युद्ध के बाद में, शेरशाह सूरी कहलाएगा और हुमायूं हार जाएगा। शेरशाह सूरी की इसमें जीत हुई थी। चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुआ। 13 नंबर, 1540 ईस्वी में, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम का युद्ध, जिसे कनौज का युद्ध भी कहा जाता है और बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, किन किन के बीच हुआ? शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं के बीच हुआ और इसमें शेरशाह सूरी जीत जाएगा और दिल्ली पे ये मानो अधिकार कर लेगा, सूरी वंश की स्थापना कर देगा, सूरी वंश की स्थापना, और हुमायूं हार जाएगा और ये मानो निर्वासित जीवन जिएगा, भारत से बाहर चला जाएगा, लड़खड़ाता रहेगा, जीवन भर लड़खड़ाता ही रहा था और अंत में लड़खड़ाते हुए ही मर गया था। कौन? हुमायूं, जो कि अफगानिस्तान काबुल की तरफ भाग जाता है इस युद्ध के बाद में। हाँ, ये जरूर है कि वह 15 वर्ष के बाद सर हिंद और मच्छीवाड़ा के युद्ध में वापस जीत लेकर के और दिल्ली पे वापस अधिकार कर लेगा, वापस मुगल साम्राज्य स्थापित कर लेगा। तो इसमें कौन जीता? शेरशाह सूरी जीता था कनौज या बिलग्राम के युद्ध में। क्लियर है क्या? कहानी याद आ रही है क्या, जो हमने हुमायूं वाले में और शेरशाह सूरी वाले टॉपिक में इनके ऊपर विस्तार से चर्चा भी की थी प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद में 14 नंबर, 1544 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में सुमेलगिरी या जेतान का युद्ध हुआ, जिसे सुमेलगिरी या जेतान का युद्ध, जो कि जोधपुर मारवाड़ पाली जो क्षेत्र है, कहां पे? मारवाड़ का जो पाली क्षेत्र है ना, वहां पे ये सुमेलगिरी या जेतान वहां पे हुआ था। शेरशाह सूरी वर्सेस मालदेव, जो समय मारवाड़ का शासक था राव मालदेव, उनके बीच हुआ था और उसमें मालदेव के जो आप देखोगे दो सैनिक थे जिनका नाम था जेता और कुप्पा, ये मानो वो लड़ रहे थे मालदेव की तरफ से, और कहा जाता है शेरशाह सूरी की इसमें जीत हुई और मालदेव हार गया था। और इसी युद्ध में जाते समय शेरशाह सूरी जब जीत करके जा रहा था, तब उसने कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, अगर आज मैं इस युद्ध में हार जाता तो ये मानो मैं हिंदुस्तान की बादशाहत भी खो देता। एक छोटे से क्षेत्र मारवाड़ जहाँ बाजरा जाता होता है, बाजरा ज़्यादा होता है, उससे मैं अगर हार जाता तो ये मानो मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता अगर मैं आज हार जाता तो। उसके बाद में 15 नंबर, 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध, प्रथम कब हुआ? 1526 में। द्वितीय कब हुआ? 1556 में, अकबर वर्सेस हेमू, और अकबर की जीत होगी, किसकी होगी? अकबर की, और हेमू हार जाएगा, जो कि अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा है? यहां लड़ेगा बहराम खां, जो कि अकबर का संरक्षक था और वही कहते हेमू को मारेगा। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध, जो कि दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध होगा, कहने इनके बीच होगा, और जिसमें दक्कन के सल्तनतों की जीत होगी और विजयनगर साम्राज्य हार जाएगा। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद 17 नंबर है, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि राजसमंद राजस्थान, हल्दी घाटी का मैदान कहाँ है? जिसे मेवाड़ की थर्मोपली भी कहा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप, जो कि अकबर जीतेगा और अकबर की तरफ से इस युद्ध में कौन भाग ले रहा है? मानसिंह, आमेर का
कछहावा वंश का शासक आमेर का जो शासक था राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप, इसमें ये मानो हार जाएगा। वैसे हमारे राजस्थान के जो इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, महाराणा प्रताप इसमें हारा नहीं था, ये तो अनिर्णायक युद्ध था प्यारे विद्यार्थियों, जबकि विदेशी इतिहासकार कहते हैं कि अकबर की जीत हुई थी। तो ये सस्पेंस में है प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन याद रखना हल्दीघाटी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था, कब हुआ था। 18 नंबर, 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध, जो कि अंग्रेज लॉर्ड क्लाइव, एक तरफ तो कौन थे अंग्रेज, अंग्रेजी सेना, और सामने था अवध का नवाब सिराजुद्दौला, जो कि अंग्रेजों की जीत हुई इसमें। और ये मानो कि अवध का जो नवाब था सिराजुद्दौला वो हार जाएगा। उसके बाद में 19 नंबर है, 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत की तीसरी लड़ाई जिसको हम कह सकते हैं अहमद शाह अब्दाली वैसे मराठों के बीच हुई थी, जो तीसरी लड़ाई हुई थी उसमें अहमद शाह अब्दाली जीत जाएगा और ये मानो कि मराठा है वो हार जाएंगे। अहमद शाह अब्दाली की इसमें जीत होगी प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देना इस बात पे अति महत्वपूर्ण है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था, वो दोनों तो 1500 में है, 1526 में प्रथम और 1556 में द्वितीय, ये गौर करो 1761। यहां कई बार ये मानव विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं 1561 मत कर देना मेरे विद्यार्थियों। उसके बाद में लास्ट 20 नंबर, क्योंकि यहां हम केवल 20 महत्वपूर्ण युद्ध ही देख रहे हैं, इसके बाद में जो कि आंग्ले मराठा युद्ध होगा, उसके बाद में आंग्ले मैसूर युद्ध होगा, आंग्ले सिख युद्ध होंगे, उनके बारे में हम अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि उसमें से भी कई बार क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो 20 नंबर है, 1764 ईस्वी बक्सर का युद्ध, किसका, बक्सर का युद्ध, अंग्रेजों जो कि अंग्रेजों की सेना एक तरफ, जो कि आधे मेजर हेक्टर मुनरो जिनका नेतृत्व कर रहा है, वैसे मीर कासिम प्लस सुजाउद्दौला प्लस दिल्ली का मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना थी। और एक तरफ कौन थे, अंग्रेज थे, और इसके अंदर बताते अंग्रेजों की जीत हुई, अंग्रेजों की जीत हुई, और ये मानो कि ये हार गए, इनकी संयुक्त सेना मीर कासिम सुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय, तीन शासक एक तरफ, तीन शासकों की सेना एक तरफ, और एक तरफ थे अंग्रेज, और कहते कि अंग्रेज जीत गए, और इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का भारत पर पूर्ण आधिपत्य हो गया। और उसके बाद में कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर व्यापारिक कार्यों के साथ साथ राजनीतिक कार्य भी करने लगी थी, और उसके बाद में अधिनियम चार्टर एक्ट ब्रिटिश सरकार ब्रिटेन से पारित करके भारत भेजती है, और उसके आधार पे भारत में शासन होता है, प्रशासन किया जाता है, जिसमें सबसे पहला नंबर एक जो आता है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद में धीरे 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 समय के अनुसार अधिनियम चार्टर एक्ट बन के आते गए, और भारत पे शासन किया अंग्रेजों ने लगभग 200-250 वर्ष तक भारत को अपना उपनिवेश, अपना गुलाम बनाए रखा। अंत में हमारे महान पुरुषों, हमारे क्रांतिकारियों, हमारे राजनेताओं के प्रयासों से, ये मानो कि उनके द्वारा अथक जो प्रयास किया गया आज़ादी के लिए, उसके बदौलत हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, आज़ादी प्राप्त हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने बात की भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, महत्वपूर्ण 20 युद्ध कब हुए,
युद्ध का नाम किन किन के बीच हुए और विजय या जीत उनके बारे में हमने देखा। प्यारे विद्यार्थियों, तो जहां तक मेरे को विश्वास है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो एक जगह संग्रह कर रखा है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है सब्सक्राइब भी कर देना। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।